हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आज से जो है आपकी मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा 2022 जो है स्टार्ट हो चुकी है, जिसकी पहली शिफ्ट का एग्ज़ाम दोस्तों फाइनली ख़त्म हो चुका है। तो दोस्तों, अगर आपका आने वाली शिफ्ट में एमपी पुलिस यानी कि मध्य प्रदेश पुलिस परीक्षा एग्ज़ाम है, तो इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में यहाँ पर मैं 8 जनवरी को आपकी प्रथम शिफ्ट यानी कि प्रथम पाली में पूछे गए जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं, चाहे वो मैथ के हो, जीके के हो, साइंस के हो, जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो सारे आपके लिए इस वीडियो में लेकर आया हूँ। इस वीडियो से आपको क्या फायदा होने वाला है, तो दोस्तों इन क्वेश्चन को देखकर आपको एक आइडिया हो जाएगा कि किस लेवल के क्वेश्चन जो है आपकी एमपी पुलिस की एग्जाम में पूछे जा रहे हैं, उसी के आधार पर आप अपनी प्रिपरेशन आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। अगर आपका आने वाले शिफ्ट में एग्जाम है तो इस वीडियो को पूरा ध्यान से लास्ट तक देखते रहिए। वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को एक लाइक करिएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही एग्जाम के एनालिसिस और रिव्यू जो है सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मिल सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, सबसे पहले यहाँ पर मैं आपको जीके के क्वेश्चन बताऊंगा, फिर मैथ के क्वेश्चन बताऊंगा, और किस किस टॉपिक से कितने क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं वो भी आपको आगे इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप आप मत करिएगा। तो देखिए, सबसे पहले यहाँ पर आपको मैं बता देता हूँ कि हम जीके, साइंस और करंट अफेयर्स के कुछ क्वेश्चन जितने भी मुझे मिले हैं वो मैं आपके सामने डिस्कस करूंगा। उसके बाद लास्ट में अपन मैथ और रीजनिंग के भी कुछ क्वेश्चन यहाँ पर देख लेंगे। तो पहला क्वेश्चन क्या पूछा गया था फ्रेंड्स, ध्यान से देखिएगा कि मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के दो खंडपीठ कहाँ स्थित है। तो देखिए, जो मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय की जो दो खंडपीठ है वो है आपके, एक तो है ग्वालियर में है और एक है आपका इंदौर। तो ग्वालियर और इंदौर आपका क्या होता फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। नेक्स्ट फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया था कि मंदसौर शहर जो है वो कौन से भौगोलिक क्षेत्र में आता है। तो देखिए दोस्तों, मंदसौर जो है आपका ये पड़ता है मालवा के पठार भौगोलिक क्षेत्र में। तो मालवा का पठार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाता। मध्य प्रदेश से रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में ज़्यादा पूछे गए, ऑल इंडिया से रिलेटेड जेके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में जो है गिने चुने ही पूछे गए, वो भी आपको मैं डिस्कस करवा दूंगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था फ्रेंड्स कि मध्य प्रदेश सरकार द्वारा दिया जाने वाला एकलव्य पुरस्कार के वर्तमान पुरस्कार राशि जो है वो कितनी है। देखिए, एकलव्य पुरस्कार की जो राशि है वो यहाँ पर आपसे पूछी गई थी। तो फ्रेंड्स, ये इसकी राशि मिलती है 50,000 यानी कि 50,000 रुपये जो है इसमें आपको दिया जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। अगला क्वेश्चन दोस्तों डेज से पूछा गया था, दिवस से पूछा गया था, राष्ट्रीय प्रेस दिवस जो है वो कब मनाया जाता है। तो देखिए, ये मनाया जाता है आपका 16 नवंबर से। अब आपको क्या काम करना है कि जितने भी दिन और दिवस से रिलेटेड क्वेश्चन है उनको आप पढ़ लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है कि आपकी शिफ्ट में भी इस तरीके के क्वेश्चन जो है देखने को मिल सके। तो राष्ट्रीय प्रेस दिवस आपका मनाया जाता है 16 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, साइंस का पूछा गया था कि ऊर्जा का जो एसआई मात्रक है यानी कि एसआई यूनिट है वो क्या कहलाती है। वेरी इजी क्वेश्चन है, तो ये हो जाएगा आपका जूल। तो जूल क्या है, ऊर्जा का एसआई मात्रक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स, यहाँ पर पूछा गया था कि जीवधारियों के वैज्ञानिक नाम जो है किस भाषा में होते हैं। तो देखिए, जो जीवधारियों के जो वैज्ञानिक नाम होते हैं वो होते हैं फ्रेंड्स लैटिन भाषा में। तो लैटिन आपका क्या होता फ्रेंड्स, बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाता। चलिए, अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भीमगढ़ बांध का निर्माण जो है वो किस नदी पर किया गया। वेरी इजी क्वेश्चन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका भीमगढ़ बांध जो है वो आपका वेन गंगा नदी के किनारे है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि बीना शहर जो है, बीना नगर जो है वो किस लिए प्रसिद्ध है। तो देखिए, बीना नगर जो है आपका प्रसिद्ध है तेल शुद्धिकरण के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए है, तेल शुद्धिकरण के लिए। दोस्तों, आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन हो सकता है कि रिपीट भी हो जाए, तो जितने भी एनालिसिस है उनको आप ध्यान से देखिए और उनके आप नोट्स भी बना लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स कि वायुमंडल के किस परत पर ओजोन जो है उपस्थित है। तो ये हो जाएगा आपका समताप मंडल। तो समताप मंडल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए, आगे बढ़ते हैं। आगे क्वेश्चन पूछा गया था कि जो काठी जो है वो किस स्थान का एक लोक नृत्य है। तो देखिए, बहुत ही इजी क्वेश्चन हो जाएगा। तो काठी जो है आपका ये पड़ता है निमाड़ में। तो निमाड़ का जो है ये प्रमुख लोक नृत्य हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था कि भारत का जो स्पाइस गार्डन है वो कहाँ पर स्थित है। तो भारत का जो स्पाइस गार्डन है फ्रेंड्स, ये है आपका केरल राज्य में। तो केरल आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि रंगा स्वामी कब जो है वो किस खेल से संबंधित है। तो देखिए, स्पोर्ट्स रिलेटेड क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में देखने को मिल रहे हैं। तो रंगा स्वामी कब आपका किससे संबंधित हो जाएगा फ्रेंड्स, हॉकी से। तो हॉकी आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स यहाँ पर पूछा गया था कि पोर्ट ब्लेयर जो है वो कहाँ पर स्थित है। तो देखिए, ये आपका पड़ता है अंडमान और निकोबार में। तो अंडमान और निकोबार आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर
हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड्स पूछा गया था कि सूर्य और पृथ्वी के बीच की जो डिस्टेंस यानी कि दूरी है वो मापी जाती है, तो वो मापी जाती है एंगस्ट्रॉम में, तो एंगस्ट्रॉम आपका क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट जवाब होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया था कि गर्मियों में आप किस प्रकार के कपड़े अधिक पसंद करते हैं, तो देखिए नॉर्मली दोस्तों गर्मियों में जो है वो हल्के रंग के पतले कपड़े जो है ज़्यादातर पहने जाते हैं और पसंद किए जाते हैं। तो दोस्तों देखिए ये जीके साइंस के जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं वो मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। अब यहाँ पर हम देख लेते हैं कि मैथ में आपके किस तरीके के क्वेश्चन पूछे गए, तो देखिए यहाँ पर नंबर सिस्टम से आपके क्वेश्चन पूछे गए, एज प्रॉब्लम से पूछे गए, टाइम स्पीड डिस्टेंस से भी क्वेश्चन पूछे गए, साथ ही में दोस्तों ट्रिग्नोमेट्री के भी एक से दो क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए, परसेंटेज हो गया, लाभ हानि हो गया, तो इन टॉपिक को आप अच्छे से कवर करके रखिएगा क्योंकि इन्हीं से आपको आगे भी एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो देखिए पहला क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था कि 10 से लेकर 20 के बीच में जो है सभी अभाज्य संख्याओं का आपको एवरेज ज्ञात करना था, वेरी इजी क्वेश्चन है, कांस्टेबल के एग्जाम में आपके ऐसे ही इजी लेवल के ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो देखिए आपको अगर पता है कि अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर क्या होता है तो इस क्वेश्चन को आप विद इन अ सेकेंड यहां पर सोल्व कर सकते हैं। सबसे पहले आपको यहां पर मैं बताता हूं कि आपका सबसे छोटा प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 2, याद रखिएगा, बहुत से स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कोई 1 0, तो ये बिल्कुल भी गलत है। तो देखिए प्राइम नंबर एक्चुअली में होते क्या है, तो प्राइम नंबर एक ऐसा नंबर होता है जिसके केवल और केवल दो फैक्टर होते हैं। तो देखिए इसको अपन केवल 2 से डिवाइड कर सकते हैं और 1 से डिवाइड कर सकते हैं, ऐसी संख्या जो खुद से डिवाइड हो और केवल 1 से डिवाइड हो उन्हें हम प्राइम नंबर यानी कि अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए 10 से लेकर तो 20 के बीच में बोला गया, तो 10 के बाद आपका कौन सा नंबर आता है, 11, तो 11 आपका क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, प्राइम नंबर हो जाएगा। 11 के बाद आपका क्या हो जाएगा, प्राइम नंबर 13, 13 के बाद 15 आपका प्राइम नंबर नहीं है क्योंकि 15 3 से भी डिवाइड होता है, 5 से भी डिवाइड होता है, 15 से भी होता है और 1 से भी होता है। उसके बाद आपका कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, ये हो जाएगा आपका 17, 17 के बाद आपका हो जाएगा 19 यानी कि 19। तो देखिए 10 से लेकर आपको 20 के बीच में पूछा गया तो केवल और केवल आपके 4 नंबर आ रहे हैं और उनका आपको एवरेज बताना है, तो यहाँ पर मैं इन सभी को प्लस करके और टोटल नंबर कितने हैं 4 से डिवाइड कर देता है, तो जितना जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा। तो देखिए 7 और 3 10, 9 और 1 10, 10 और 10 20, 20 की कितनी हो जाएगी यहाँ पर 0 बच जाएंगे, तो 1 2 3 4, 4 और 2 कितना हो जाएगा फ्रेंड्स 6 यानी कि 60 के बटे में कितना हो जाएगा 4, इसको आप कैंसिल करेंगे फ्रेंड्स तो ये आपका 15 बार कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो एवरेज आएगा वो आ जाएगा फ्रेंड्स 15, मतलब 10 से बीच के बीच की सभी अभाज्य संख्याओं का एवरेज कितना हो जाएगा 15, आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर क्या पूछा गया था कि एक भिन्न के अंश में जो है आप 10% की वृद्धि कर रहे हैं और हर में जो है 20% की वृद्धि की जाए, तो भिन्न का जो मान होता है वो होता है 11/14 हो जाता है, तो मूल भिन्न आपको यहाँ पर ज्ञात करना है। देखिए सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि अंश और हर क्या होता है, जैसे कोई भी आप संख्या मान सकते हो, जैसे मैंने मान ली यहाँ पर a बटे b, आप x बटे y भी मान सकते हो, ऊपर वाली संख्या आपकी होती है फ्रेंड्स अंश और नीचे वाली संख्या क्या होती है आपकी हर, ठीक है। अब यहाँ पर बोला क्या गया है कि 10% की वृद्धि आप अंश में कर रहे हो और 20% की वृद्धि आप हर में कर रहे हो, जैसा कि मैंने आपको बताया है अगर आपने मेरे वीडियो देखे होंगे तो जब भी परसेंटेज में वृद्धि का बोलते हैं तो हम 100 में ऐड करते हैं, देन उसके बाद अगर कमी का बोलते हैं तो हम क्या करते हैं 100 से माइनस करते हैं, लेकिन यहाँ पर दोनों ही केसेस में वृद्धि बोला गया है तो आपको क्या करना है 100 में ऐड करना है, तो ए के बट्टे में बी हो जाएगा, देन मल्टीप्लाई 100 में 10 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 110, देन यहाँ पर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 120 इज इक्वल टू आपको कितना प्राप्त होता है, ये होता है आपको 11/14, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 11/14। अब देखिए जो नंबर आपका कट हो रहा है उसको आप यहीं पे कैंसिल कर लीजिए, देखिए 1 टाइम 0 से 1 टाइम 0, 11 से आपका 11 कैंसिल, ये यहाँ पर 2 की टेबल से 6 टाइम, 2 की टेबल से 7 टाइम, तो देखिए 6 डिवाइड में है तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 6/7 और ये आपका क्या हो जाएगा मूल्य भिन्न हो जाएगा, तो ऑप्शन में आपको दिया होगा यहाँ पर 6 और 7, तो यही आपका क्या होगा इस तरीके से आपको ऑप्शन दिया होंगे 6/7 या फिर इस तरीके से दिए होंगे, तो जो भी आपको दिया हो उस पर आपको टिक करना है, आपका 6/7 बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एज से आपका क्वेश्चन पूछा गया था, तो क्या पूछा गया था कि आराध्या की जो आयु है वो उसकी माँ की आयु से जो रेशियो गिवन है वो है आपका 3:11 का, तो देखिए यहाँ पर मैं आराध्या को ए से लिख देता हूँ, देन उसकी मदर को हम एम से डिनोट कर लेते, तो रेशियो कितना है यहाँ पर फ्रेंड्स गिवन है हमको 3:11 का, देन उनकी आयु का आपको डिफरेंस गिवन है कितना है 24, तो यहाँ पर हम लिख लेते हैं ए माइनस एम इज इक्वल टू आपका हो जाएगा 24 वर्ष। बोला है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का आपको क्या बताना है रेशियो यानी कि आपको अनुपाती बताना है, कई बार आपसे आयु पूछ ली जाती है, कई बार आपसे रेशियो भी पूछा जा सकता है, तो जो भी पूछा जाए आप यहाँ पर निकाल सकते हो। अब आपको पता है कि
आराध्या और उसकी जो मदर है या उसकी माँ है उनकी आयु का जो डिफरेंस 24 है, तो रेशियो में भी आपको क्या करना है, डिफरेंस करना है। अगर योग बोलते तो योग करते, लेकिन अभी फिलहाल डिफरेंस बोला है, तो 11 में से अगर 3 जाएंगे तो कितना हो जाएगा आपका 8, 8 रेशियो। तो ये किसके बराबर होगा, 24 के बराबर। तो 24 को डिवाइड करेंगे अपन किससे, 8 से। देन यहाँ पर बोला क्या गया है कि उनकी आयु का रेशो ज्ञात करना है, तो अगर इसको मैं डिवाइड करता हूँ तो कितना आता है मेरे पास, 3। तो 3 का मल्टीप्लाई अगर हम 3 में करेंगे तो किसकी आयु आ जाएगी, आराध्या की। तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 मल्टीप्लाई 3 बराबर कितना हो जाएगा फ्रेंड्स, 9। उसके बाद 3 का मल्टीप्लाई 11 में करेंगे तो उसकी मदर की आयु यहाँ पर आ जाएगी, तो ये क्या हो जाएगी, 33। अब आपको अगर कुछ नहीं बोला जाए, मतलब ये प्रेजेंट एज है, मतलब वर्तमान आयु है, तो वर्तमान में आराध्या की आयु 9 है और उसकी मदर की है कितनी, 33। अगर आपसे पूछा जाए कि वर्तमान आयु दोनों की ज्ञात करो तो यही आपका आंसर होता 9 और 33। लेकिन आपको आगे एक इक्वेशन और जोड़ दी गई है कि 3 वर्ष बाद उनकी आयु का अनुपात ज्ञात करना है। तो अभी अगर वो प्रेजेंट में 9 साल की है तो 3 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, 12 साल की। उसकी माँ कितनी हो जाएगी, 3 और जोड़ लीजिए तो ये हो जाएगा 36। तो ये हो गया आपका आराध्या और ये हो गई उसकी मदर। अब यहाँ पर आपसे एज ना पूछकर रेशियो पूछा गया है, तो 12 के टेबल से इसको कैंसिल करेंगे तो 12 से एक बार और 12 से कितना हो जाएगा, 3 टाइम, यानी कि 1:3 का रेशियो आपका निकल के आने वाला है। तो फ्रेंड्स ये थे आज की आपकी फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन। जितने भी क्वेश्चन मुझे मिले हैं सभी आपके लिए मैं लेकर आया हूँ। तो वीडियो कैसा लगा है वीडियो लाइक करके बताइएगा, चैनल के साथ नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही में दोस्तों कमेंट्स करके बताइएगा वीडियो कैसा लगा है, और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही में नोटिफिकेशन बेल आइकन को भी ऑन करिएगा, जिससे कि आपको ऐसे ही रेगुलर वीडियो के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको अपने मोबाइल में मिल सके।